हे गाइस, दिस इज मी एंड तपिश, और आज हम आपको दिखाने वाले एक न्यू ब्लॉग। क्यों तपिश भाई? ठीक देखिए है। और आज हम शुरू करने वाले एक नया ब्लॉग, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए ब्रो। मेरा भाई है, इसका काम धंधा कुछ है नहीं, बस जब हम ब्लॉग में जाते हैं तो बस ये ऐसे देखता रहता है। ये मेरा भाई है और ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूँ, और हम दोनों के बीच में नूडल्स खाने का कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, घर से, और चलते हैं पैदल पैदल, और दिखाने वाले हैं मस्त कंटेंट आपको आज का। और ये सब सफाई करता हुआ मस्त मस्त दिख रही है यहाँ से। और आज हम शुरू करने वाले एक नया ब्लॉग, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक, और देखिए आगे क्या क्या हम करते हैं एडवेंचर वाला ब्लॉग होगा। ये देख सकते हैं यहाँ भी बहुत ही बेचैन हो रहा है आज का ब्लॉग बनाने के लिए। काफी टाइम बाद हम दोनों का साथ में एक ब्लॉग आ रहा है। इससे पहले भैया का एक ब्लॉग था, तो उन्होंने अकेले शूट किया था, मेरे बिना शूट किया था। और इससे पहले जो मेरा ब्लॉग था वो मैंने इनके बिना शूट किया था, क्योंकि इनको कुछ काम था। तो फाइनली हम दोनों तो एक दो महीने के बाद साथ में आ रहे हैं ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा गैंग टूट गया, हमारा गैंग बहुत जबरदस्त। गैंग तो नहीं, हमारा पेयर एक तरीके से, तो ये बना रहेगा एंड तक। एंड तक एग्जैक्टली। अबे यार, मैं क्या बताऊँ आपको, अब क्या क्या बखैती हो रही है अपने साथ। एक माइक लिया था बड़ी मुश्किल से, पहली बार आज उसको टेस्ट करने वाले थे वीडियो में, और वो भी खो गया है। क्या कर सकते हैं। और ये हमारे तपिस भैया, इनको देखिए आप, इस मासूम से चेहरे को ध्यान से देखिए। दिखाओ भाई, दिखाओ शकल, दिखाओ। इन्होंने माइक खो दिया है, अब बस उसका कनेक्टर रह गया है, और माइक तो खो गया है। अब क्या कर सकते हैं, कर सकते कुछ। चलो फिर, अब फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा कि भैया आपकी वीडियो में आवाज़ कम आ रही है, इसीलिए आ रही है। तो आप जो भी गालियाँ वगैरह कमेंट में देना चाहेंगे तो आप तब इसको दे सकते हैं, मेरे को छोड़ के। तो आप देख ही सकते हैं गाइस, इस घने जंगल से होते हुए आए हैं हम, और अब हम ये जा रहे हैं बिल्कुल पहाड़ के डेड एंड पर। डेड एंड बोलते हैं ना सचिन भाई, तपिस भाई का थोड़ा मूड खराब हो गया। मूड हमारा इसलिए ख़राब हो गया, एक तो साला इतना मेहनत लगी यहाँ आने में, ऊपर से यहाँ माइक भी खो गया हमारा। सोच रहे थे एकदम मस्त सी वीडियो बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना, बिल्कुल एकदम खड़ी पहाड़ी है जिस पर हम खड़े हैं, और यहाँ से फिसले तो सीधा हम जाएंगे नीचे, जाएंगे नीचे, पहुँचेंगे ऊपर। भाई। क्या हुआ, देख रहा हूँ कहाँ पे पैर रखूँ, पैर भी ऐसे देख देख के रखना पड़ रहा है। तो पैर भी हम, पैर पड़ा तो गलत ही जगह पहुँच, पैर भी देख के रखना पड़ रहा है हमें यहाँ पर, और बहुत ही टफ है यहाँ। ये यार यहाँ से वापस जाने लायक रास्ता नहीं है, यहीं बस जाएंगे आज हम। इतनी भयंकर पहाड़ी है कि यहाँ पे हम कैंप भी नहीं लगा सकते, खड़े होने की तक जगह नहीं है। जैसे होती है ना नाक इंसानों की, एकदम वैसी पहाड़ी, एकदम खड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा ये एंड मिला है मुझको, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर हम लोग आए। और ये एकमात्र इकलौती जगह है इस चोटी पर बैठने की, हम एक तरीके से क्लिफ पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस तरफ भी है खाई पूरी की पूरी, इस तरफ तो खैर झाड़ियाँ और खाई हैं ही। और ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। और कितनी दूर हम आए हैं, इतनी दूर आ चुके हैं हम घर से कि सच में काफ़ी दूर हम मतलब थक चुके हैं बहुत बुरी कदर। मैं सोच रहा हूँ कि वापस जाने में न जाने कितना टाइम लगेगा, और नीचे उतरना तो और डिफ़िकल्ट होता है वैसे, तो देखते हैं कैसा ही रहता आप है। देख सकते हैं ये पूरा जंगल पार करके हम लोग इस ऊँचाई पर पहुँचे हैं, और इस ऊंचाई पर ये एकमात्र जगह है जहाँ पर हम थोड़ा ठीक से खड़े हो पा रहे हैं, वरना तो और जगह तो हम बिल्कुल आप खड़े देख हो पा सकते रहे हैं हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये पूरा पहाड़ है, इस पूरे पहाड़ पे कहीं पर खड़े होने की जगह नहीं है। और ये सामने वाला पहाड़ है, ये दरार पड़ी है, देखो दो तो ये जो दरार पड़ी है ये आपको अभी दिख नहीं रही है, ये अभी थोड़ा ऊपर से जाके आपको हम दिखाएंगे अगर जा पाएंगे तो। देख सकते हैं आप हालत कितनी खराब हो गई है दोनों की,
कांटे वांटे स्वेटर वगैरह में मतलब पूरे के पूरे कांटे वांटे लग गए हैं। और शक्ल आप देख सकते हैं कैसी हो गई है हमारी। में तो 12 बजे हैं दोनों की, घर से एकदम नहा धो के आए थे। ऐसा लगा था कि मस्त सा मजा आने वाला है, मजा तो आया, बहुत सारा एडवेंचर था। एडवेंचर हो गया एक तरीके से, इतना घना जंगल हमको पार करके मतलब ये वैसा एडवेंचर नहीं हुआ जिसमें मजा आया, ये वैसा एडवेंचर हुआ जिसमें मतलब पूरा ही डर लगा, पता स्केरी एडवेंचर था, स्केरी भी था। आप देख सकते हैं ये पेड़ भी कितना बड़ा पेड़ है, ये भी खत्म हो गया, हम कितने टॉप पर है अभी। और ये आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर पक्षियों की आवाज कैसे आ रही है, पक्षी राजन की एंट्री होने वाली है भाई। और ये मस्त सा नजारा है, और देखो कितने सारे यहाँ पर खजूर के जो पेड़ हैं, ये बिल्कुल आपको अगर दिख रहे होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से कितने सारे खजूर के पेड़ हैं, यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर हैं। और गर्मियों में जो है इन सभी खजूर के पेड़ों पर खजूर लगते हैं, पहाड़ी खजूर जो मार्केट में मिलते हैं, आप वाले खजूर मत समझिएगा। क्यों तपिश भाई? सही कहा, ये तो मतलब इनको आप लोग टेस्ट करेंगे तो इनका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन काफी ज्यादा बढ़िया है ये। ये भी बहुत मीठे होते हैं, जैसे वो खजूर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अभी गर्मी आई है, छोटे छोटे धानों की तरह। और जी हम तो यहाँ लगन लगे थे ना, मैं और तपिश भाई आज यहाँ पहाड़ पे कैंप लगाने का सोच रहे थे वैसे, पर कैंप लगना तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है क्योंकि हम काफी ऊंचाई पर आ गए हैं और यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है कैंप लगाने की, और जंगल बहुत घना है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं। मैं, मतलब मैंने कल बाघ देखा था, मैंने शेर देखा था कल, पता शेर नहीं लेपर्ड था वो, तेंदुआ बोलते हैं, तेंदुआ था मतलब। हाँ। तेंदुआ देखा था मैंने शाम को, मतलब जब मैं ऑफिस से आ रहा था मैंने उस टाइम देखा था। हम लोग बाइक से जा रहे थे और इसी के चक्कर में आज हम यहाँ पे कैंप नहीं लगा रहे हैं। एक तो ऊपर से यहाँ पे जगह नहीं है और यहाँ पे बहुत घूम रहे हैं, और आजकल तेंदुए का थोड़ा डर हो रहा है और जंगल बहुत ज्यादा घना है। रिस्क तो है पर क्या करें। कुछ टाइम पहले मैंने सुना था मतलब भालू ने किसी पर अटैक कर दिया था, तो हम लोग यहाँ मतलब अंधेरा होने से पहले जल्द से जल्द निकलेंगे, और फिलहाल तो यही अपना प्लान है। आप देख सकते हैं इसकी पूरी हालत खराब हो गई, कैसे घास पकड़ पकड़ के आ रहा है, ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं। ये आप देखिए, मैं पहले बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा, कैमरा लेके आप देखिए ये भी कैसे पकड़ पकड़ के आ रहा है। बेकार जगह, बहुत बेकार जगह भाई। सीरियसली गाइस, भैया के साथ में बहुत स्टार्टिंग में तो शुरुआत में तो मजा आ रहा था, बट अब नहीं आ रहा सीरियसली। हाँ जाओ, आप देख सकते हैं कितना खड़ा। सच में भैया के साथ मतलब ना बहुत जान का रिस्क है, मैं तो देखो के साथ पकड़ के आ रहा था, ये ऐसे ही आ रहे हैं। भैया पीछे को ढल गए ना गलती से, सीधा उस कोने में मिलोगे मेन रोड में, सीधा यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे, 2-4 जितना भी है। और जिस चीज के लिए मैं यहाँ आया हूँ मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ, अभी वो चीज भैया दिखाएंगे। ओ भाई पैरों में दर्द हो रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना मस्त नजारा है। अरे कहाँ मस्त है भाई, चलो घर यार। बिल्कुल देखिए आप, ऐसे खड़ा पहाड़ है, खड़ा बिल्कुल एकदम, और इससे फिसले तो आप देख सकते हैं। एक पत्थर गिरा के दिखा दो, बड़ा सा यार, यहाँ तो पत्थर भी नहीं मिल रहे, घास ऐसी हो रखी है यहाँ पर एकदम। आप देख सकते हैं ये पत्थर मेरे हाथ पे है, और ये देखिए हो गया नीचे भाई, देखिए आवाज आ रही होगी अभी भी आपको, हम तो पत्थर छोटा था इसलिए आवाज नहीं आई। और जो हम जिस चीज को मैं दिखाने के लिए लेके आया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत ही ऊंचाई है, बहुत बहुत रिस्की है। आप ये दरार देखिए, पहाड़ दिख रहे हैं आप कैसे पूरा पहाड़ जो है फटा हुआ है नीचे से लेकर के और ऊपर तक। ये मेरा फ़ोन का कैमरा है, इसमें इतना कवर नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ये जो पूरा पहाड़ है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। क्यों तपिश भाई, देख सकते हैं आप कितनी ऊँचाई पर हैं। मजे आ गए, देख सकते हैं आप यहाँ पर मजे तो आ रहे हैं वैसे ना, बस थोड़ा ये डर लग रहा है कि नीचे कैसे जाएंगे, ऊपर तो हम कैसे जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंच ही गए हैं। और आप इस आदमी को देख सकते हैं, इसको बहुत टेंशन हो रखी है नीचे जाने की, और इसकी शक्ल देखिए, इसने जो है माइक भी खो दिया है आज, और मूड तो मेरा बड़ा खराब हुआ कि इसने माइक खो दिया है, लेकिन इसका भी मूड खराब है कि ऐसे गिरते पड़ते ये मुझे पहाड़ी पे लेके आया। मैंने माइक नहीं खोया, भैया ने माइक खोया, भैया की वजह से खोया है माइक।
हाँ मतलब आप नहीं, लोग तरुण गिल को जानते हो, ये आदमी उससे भी बुरा है, ऐसी ऐसी जगह लेके आता है, मोटिवेशन दे रहे थे भाई ऐसा ऐसा होगा वैसा होगा, कर सकता है तू ऐसा वैसा, हो गया ना ऐसा वैसा देख लो अब। हाँ माइक तो खो ही दिया इसने, पर मजा मुझको तो बहुत मजा आया यहाँ आने में ना, इसको सही आए बता ना आए, लेकिन मैं दो तीन बार ऐसे गिरा हूँ ना मौत को, ऐसे ऐसे टक से छुके वापस अगर, आया अगर, हूं मैं। अगर आप में से कोई भी लोग यहाँ जाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अकेले इस जगह पे लेके आऊंगा, और हम जो भी जगह दिखाते हैं वो सभी अनएक्सप्लोर्ड होती है। क्यों मना कर रहे हैं? अबे ऐसी जगह में कोई कुछ हो गया ना पता भी नहीं चलेगा किसी को कि कहीं बंदे गए थे। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ तक आपको पहुँचाने की, और यहाँ से आपको वापस आपके घर तक जहाँ से आप मेरे को मिलेंगे वहाँ तक वापस छोड़ने की। बस इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना बदले में, ये आपको ले जा लेंगे जहाँ बोलेंगे। स्वर्ग भी पहुँचा देंगे, स्वर्ग भी पहुँचा देंगे अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो। और भैया नीचे जा रहे हैं यहाँ से, भैया पकड़ वकड़ के जाओ यार, क्या बकैती कर रहे हो आप, गिरना मत बस। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर, अरे यार ऐसा वैसा मत करो, जल्दी करो यार भैया, चल रहे बब्बू वे, देख सकते हो यहाँ पे लेटने के लिए भी नहीं है। चलो कर रहे, चलो जल्दी पैकअप करो यार, निकल रहे। मन नहीं कर रहा यार मेरा जाने का, मेरा मन कर मन तो अभी करेगा जब मैं टू शॉट्स लगाऊंगा आपके। मन कर रहा है मेरा आज यही घास में लेट, जल्दी करो यार भैया, बकैती मत करो, नहीं बन रही भाई वीडियो, जल्दी करो। ऐसे क्यों कर रहा है, करना पड़ता है वो ना। अब जा रहे हैं भैया आगे गाइस, तो आप देख सकते हैं इनको भी थोड़ा मोटिवेशन देनी पड़ती है मुझे, तब जाके कुछ। ओ भाई 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 अभी हो गया था काम, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी फिसलन है, और उसको लगता था मैं काफी। आप तो कह रहे थे यहाँ से रास्ता यहाँ से ले जाओगे, फालतू में ऊपर चढ़ा दिया मुझको। हाँ इधर से लेके जाऊंगा भाई। हाँ वहां से जा रहे हो, क्या पकड़ पकड़। बात टुच मैं सन भैजी, बस मैं कुछ नहीं जान दू, स्वस्थ और मस्त बात टुच मैं सन। चलो जल्दी करो यार भैया, वी आर गेटिंग लेट। ये देखिए हमारा तपिस भाई, नजारा तो आप देख ही रहे होंगे, बेहतरीन नजारा है, कैसे बैठ बैठ के इसको आना पड़ रहा है। ओ पकड़ के रख, बैठ बैठ भगवान को प्यारा, इधर 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 इधर, वहाँ कहाँ जा रहा है, इधर से। हाँ यहीं से नीचे देख सकते हैं कैसे बैठ बैठ के आना पड़ रहा है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टंट परफेक्शनिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट होते हैं ये, परफेक्ट लोगों के द्वारा किए गए हैं, फिर भी इनको घर पे परफॉर्म ना करें। घर पे तो ये परफॉर्म वैसे भी होने वाले नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जंगल में इतने ऊंचे पहाड़ में आए हैं। फिर से बोलता हूँ, तो मैं आप लोग को ये सलाह देना चाहता हूँ कि ये जो भी स्टंट है परफेक्ट जो लोग हैं उनके द्वारा किए गए हैं, तो आप लोग ये सब चीजें को परफॉर्म ना करें, जैसे कि परफेक्ट लोग जो हैं वो तपिस जैसे लोग हैं। यहाँ देख सकते हैं आप हम कैसे 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 जंग पत्थर, कैसे जंगलों से हम आए हैं, और यहाँ बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। ऊपर से आए थे, नीचे से यहाँ से आए थे, ये हमारे पैरों के जूतों के निशान है हल्के हल्के, सैल चित्र तो चित्र होते साले। और इसने जो है कैमरा भी खोया है, तो अगर कहीं हो सके तो मुझे दिख जाए कैमरा, नहीं मतलब माइक खोया है, कैमरा तो मेरे हाथ में है। देख सकते हैं इस पहाड़ी पे गए थे हम और वापस हम आ गए हैं, वहाँ पर अब भी हल्के हल्के आपको धूप लग रही होगी, और यहाँ धूप नहीं है। ये देखो मेरा सस्ता वाला बियर गिल्स, कम ऑन बेबी यू कैन डू इट। दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक था यह रास्ता, और काफी मतलब मुश्किलें तो बहुत ज्यादा ही भाई, बहुत ज्यादा एडवेंचर था इसमें, बहुत ज्यादा एडवेंचर, और इतना स्केरी फील हुआ मुझको खुद, मैंने इसको नहीं बताया कि हम ब्लॉग आधे में बंद ना करना पड़ जाए। जैसे ही तैसे डरते मरते हम ऊपर पहाड़ी पे चले। अब मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि भैया हालत बहुत खराब थी, बहुत गंभीर हालत थी, पर मैंने इसको पता नहीं चलने दिया और इसको बोला कि चल बस चल कर। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मतलब जब भैया ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे डर नहीं लग रहा है, तो सीरियसली मुझे भी ना डर नहीं लगता, और जब भैया ने बोल दिया ना कि मुझे डर लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली मतलब मुझे भी फील होता है कि हाँ मतलब सीरियसली अब कुछ मामला सीरियस है।
इसीलिए भैया को डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं था कि सचिन मतलब तपिश पैनिक ना कर जाए। हाँ, तब भैया नहीं बोला जाते ना, माहौल थोड़ा खराब सा बेकार हो जाता फिर। तो हमने जाते हुए काफी गाना वाना लाउड चला, गाना वाना लाइट चला, और बहुत ज्यादा घना जंगल था, कोई भी जानवर अगर मुंह पे आ जाता तो भागना भी थोड़ा इम्पॉसिबल था, रास्ता इतना खतरनाक, तो मिशन इम्पॉसिबल हो जाता। बिल्कुल झाड़ियों से ऐसे बैठ बैठ के गए, इसीलिए हम वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, एक खुशखबरी हमारे पास, माइक गिराया था वो अभी आते हुए, हम बिल्कुल अपने पैरों के जो है जो निशान थे उन्हीं पर हम आए हैं, और मतलब हमको ये हमको इस तरीके से मिला। हाँ, क्योंकि हमने वही रास्ता हमने चुना वापस आने का जिसपे हम ऊपर जा रहे थे, जहाँ पे हमारे पैरों के निशान थे उसी पे हम, और वहीं पे मिला हमें, फुटप्रिंट्स पे आए और माइक हमें मिल गया, ये बहुत अच्छा हुआ, ये सच में काफी अच्छा था। भले ही वीडियो में माइक का यूज ना हुआ हो लेकिन माइक मिल गया, आगे अगली वीडियो में तो इसका यूज होगा, बिल्कुल होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी अगर इस जगह पर आना चाहे तो वो कमेंट कर सकता है, और मैं उसको अपने साथ, सचिन हमारे साथ ही आए वो, अगर तपिश जाए ना जाए लेकिन मैं उसको यहाँ तक जरूर पहुँचाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।